अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमें जाना है गुरुद्वारा। तो चलिए, अगर हो सका तो मैं आप वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो नहीं कर पाई तो नहीं करूँगी। तो चलिए गुरुद्वारा मत्था टेक के हो जाते हैं, पहले निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है और जाना मुझे सुबह था। तो मैंने सोचा था कि भाई के घर जाऊँगी तो वहीं पर रात को भी रुकूँगी, लेकिन छोटी वाली भाभी गई हुई थी तो बड़ी वाली से मैंने पूछा नहीं कि वो कहाँ है और नहीं, तो मैंने कहा चलो नहीं जाते हैं अभी, ऐसे ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाके और गुरुद्वारे मत्था टेक आती हूँ, फिर घर आ जाऊँगी बाद में। वैसे रात को मज़ा आता है जब 11-12 बज जाता है ना, वहाँ पर जब वो नगर कीर्तन आता है तो वो पटाखे वगैरह बजते हैं तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज पूरे ही रास्ते नगर कीर्तन मतलब चलता रहेगा कुछ ना कुछ, तो हो सका तो जितना मैं आपको दिखा पाई तो दिखाऊंगी। तो हम बस रास्ते में मार्केट का काम था वो कर रहे थे और देखिए पूरी मार्केट जो थी ना वो इस तरह से सजी हुई थी। तो हमने गुरुद्वारा भी जाना था तो गुरुद्वारे में मत्था वगैरह टेकना था। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए प्लीज़। तो यहाँ हम गुरुद्वारे आ चुके थे तो दिवाली की तरह ही यहाँ पर सारा कुछ फैसे वो बनता है। तो देखिए यहाँ पर निशान चिन्ह होता है ना, तो उसके सामने काफ़ी सारी कैंडल जलाई जाती हैं और मैं कैंडल ले जाना भूल गई थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन गुरुद्वारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी यहाँ बहुत मज़ा आता है राज में, लेकिन उस दिन नगर कीर्तन सुना था 3 या 4 बजे आया था सुबह, क्योंकि भाई की बेटी ने दो बजे तक वेट किया था, फिर वो भी आ गई थी। मैंने मेथी साफ़ कर रखी है तो मैं सोच रही चलो मेथी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने रात को धो के और साफ़ करके इसे रख दिया था, तो ये बनाती हूँ और साथ में बना लेती हूँ मूंगफली दाल। तो चलिए पहले मैं इसको काट लेती हूँ, तो मैं स्लैब पे ही काटूँगी इसे, क्योंकि मेरे से हाथ से नहीं कटती है, मतलब हाथ में ऐसे लेके और चाकू से, तो मैं स्लैब पे ही रख के काट पाती हूँ। तो ये देखिए इन्हें यहाँ पर मेथी काटना सीख रही है इस तरह से, तो कभी काटी नहीं है क्योंकि अब ये ब्याने लायक हो गई हैं, तो ये यहाँ पर मेथी काटना सीख रही हैं। तो मैं तो झटपट से काटती हूँ और आपको टाइम पता है क्या हो रहा है, 9 बज चुके हैं और मुझे ये आने वाला है तो फटाफट खाना बनाना है, तो ना मैं किचन में झटपट बना देती हूँ। तो ये भाई है मेरा सर खाने के लिए, तो ये देखिए अभी तक इनसे मेथी की एक भी वो चौप मुनी हुई है चौप। देखिए आप कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा उल्टा हाथ चलता है इसलिए उल्टे से काटेगी। तो यहाँ आके टाइम ले रही थी तो मैंने कहा लाओ मैं फटाफट काटती हूँ, तो मैंने काट दी है, 5 गड्ढी थी। तो आपको नए वो ना आलू मुझे नाइफ से छिलने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पता है 5वां पिलर घुमा रही हूँ, मुझे लगता है जैसे ना मूली उली कटिंग के टाइम पे वो कहीं घूम गई थी। बन चुकी है और यहाँ दाल बन चुकी है, तड़का वगैरह लग चुका है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक ऑयल, तो पहले मैं इसको जो तेल है ना वो जम गया है कोकोनट ऑयल, तो मैं पहले इसको मेल्ट कर लेती हूँ। तो इस ऑयल में मैंने डाला था मेथी, एलोवेरा और अलसी के बीज और विटामिन ई का कैप्सूल डाले थे, इससे बाल ना सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैं कहा चलो इससे मसाज करते हैं। तो मैं यहाँ किचन में ही नीचे दरी डाल के बैठी हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ जो साग वगैरह है तो वो साफ़ कर रही हूँ, और लहसुन था हरा तो मैंने इसको साफ़ करके रखा हुआ था, और काट रही हूँ तो मैं हाथ से नहीं काट पाती, मतलब हाथ में ऐसे पकड़े काटते हैं ना लोग, तो मैं प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर ही काट पाती। तो नीचे मैंने मूढ़े के ऊपर ये थाल रखा है, दिखाती हूँ आपको किस तरह से काट रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये रखा है, ये लहसुन है हरा, तो इसको मैंने साफ करके रखा हुआ था, तो ये थोड़ा मुरझा सा रहा था तो मैं कहा चलो इसे काट लेते हैं। और मटर अभी भी सस्ते नहीं हो, मटर काफ़ी महंगा आया तो मैं फ्रोज़न ही ले रही हूँ अभी, तो इसको काट के रख लूँगी, ये मटर के साथ ही बनाऊँगी। तो बाकी जो और ना हाथ से नहीं काट पाती तो मैं इसके ऊपर ही करूँगी, ये मैंने मूढ़े के ऊपर रखा है और इधर से काट रही हूँ मैं। तो चलिए पहले मैं और कर लेती हूँ, और मैंने साग भी उबाल रखा है तो पहले इसको काट लेती हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है, तो बाल ऐसे से हो रखे हैं क्योंकि मैंने ऑयल लगा रखा है, हेयर स्टाइल वगैरह से ना बाल बिल्कुल रफ सा हो गया। तो यहाँ मैंने काटी हुई है ये गाजर जिसका मुझे बनाना है अचार, और ये जो था मैंने पनीर निकाला था घर पे, तो इसके मैं सोच रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट में पराठे बना देती हूँ। तो चलिए पहले आटा भी मल लेती हूँ क्योंकि आटा भी ख़त्म है, और बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करने और सोच रही हूँ सोयाबीन का कीमा बना लूँ टिफ़िन के लिए। तो ना पहले मैं यहाँ पे अचार डाल लेती हूँ, जो गाजरें थी वो मैंने काट के रखी थी, इसमें ना जरा सी मूली पड़ी थी तो मैंने वो भी कट कर ली थी मूली भी।